रास्ते में हो रहा कीचड़ की समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम भगवानपुरा पंचायत बड़ा अमलिया से 2 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर कच्ची सड़क बनी हुई है। उसी रास्ते से इस सरपंच के द्वारा वर्ष 2005 में मुरम डलवा दी गई थी, जो कि उस रास्ते में महाजनवरी 2022 में ठेकेदार के द्वारा नल जल योजना के पाइप जेसीबी मशीन के द्वारा गड़वाए गए थे। उस रास्ते को ठेकेदार ने सही नहीं किया है। रास्ते में 2-3 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। यहाँ की रास्ते से ग्राम काठी और ग्राम बमूरपुरा के लोगों का आना जाना पड़ता है। बारिश के मौसम में छोटे बच्चों को स्कूल जाने में जो असमर्थ हैं, जिसमें बच्चों का उज्जवल भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल ग्राम भगवानपुरा से बड़ा अमलिया का स्कूल 3 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर ग्रामवासी राशन लेने में परेशान होते हैं। ये रास्ता खराब होने से एम्बुलेंस गाड़ी नहीं निकल पाती, इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? राजू अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? ग्राम भगवानपुरा पंचायत बड़ा अमलिया। तहसील कौन सी लगती है? रावगढ़। जी बताएं, किस समस्या को लेकर आज यहाँ पे आए थे अपन ने? सड़क निर्माण है। क्या परेशानी आ रही है? सर, सड़क में पूरी तरीका खुदी हुई है और उसमें बच्चों के पढ़ने के लिए परेशानी और एम्बुलेंस के लिए परेशानी, बीमार दुखी के लिए और जो अपनी कुटीर बनी ना, कुटीर में माल ले जाने के लिए ट्रैक्टर पिकअप वो भी नहीं जाते हैं, और मतलब राशन से लेके हर एक परेशानी है हमारे वहाँ। कितनी किलोमीटर की सड़क है ये? ग्राम भगवानपुरा से बड़ा अमला कच्ची सड़क 2 किलोमीटर। और क्या समस्या आ रही है यहाँ से? और सर, सड़क बनवाना, बस पक्की सड़क करवाना और अच्छी तरीके से परेशान है सर, पूरी परेशानी हो गई सर। अब मतलब वो गड्ढे 2-2, 3-3 फीट के पूरी रास्ता खुदा हुआ है। कितने लोग परेशान है ऐसे? पूरी गांव बस्ती है, 40 घर की बस्ती है, और उसमें कांटी वाले भी और बमूपुरा वाले भी आने जाना है का रास्ता बना रहता है, उनमें भी परेशानी आती है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश। मैं राधोगढ़ से हूँ। जी बताएं, क्या समस्या आ रही है? ग्राम भगवानपुरा में बड़ा अमला के पास में वहाँ पे सड़क की समस्या इस प्रकार बनी हुई है कि तितते गड्ढे बन रहे हैं और वहाँ पे आने जाने में दिक्कत आती है। जैसे एम्बुलेंस है और बच्चे पढ़ने के लिए आमलिया के लिए जाते हैं तो उनको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है, और ग्रामवासी राशन लेने के लिए पहुँचते हैं तो उनको भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जेएस में जेएस जिला संयोजक समस्त टीम के साथ में आया हूँ और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए।